ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो जम्मू रीजन के साथ है, टोटल जम्मू प्रोविंस के साथ, वो आज भी कंटिन्यू कर रही है। हमें कुछ खास फर्क नहीं लगा कि कोलिशन सरकार के बाद जब गवर्नर रूल भी आया है तो जो जम्मू के साथ भेदभाव वो जारी है। हमने तमाम रिलीजियस एक्ट्स के साथ बात की है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात की है, स्टूडेंट्स यूनियन से बात की है, और हमें लगता है कि जम्मू वासियों को एक फाइनल एजुकेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती ख़त्म होती है, और अगर हमारे जो इश्यूज़ हैं जम्मू के, चाहे वो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, एम से लेके हेल्थ केयर के इश्यूज़ तक, जो हमने पहले भी डिमांड्स की हैं, रीलोकेशन ऑफ रोहिंग्यास की बात है, सारे इश्यूज़ को लेके हमने ये फैसला किया है कि हम इकट्ठे होकर धर्म मजहब की राजनीति से ऊपर उठ के हम इकट्ठे इस लड़ाई को लड़ेंगे। और चैम्बर ने यह भी फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हम गवर्नर साहब से मीटिंग करेंगे और एडवाइज़र से भी मिलेंगे और उनको सब विषयों की गंभीरता से हम वाकिफ करवाएंगे। और मुझे लगता है कि जो भी कोलिशन सरकार में जो जम्मू की रिप्रेजेंटेशन का फेलियर रहा है, वो स्क्वेयरली एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम डॉक्टर निर्मल सिंह है, जिसने अपनी टीम के साथ टोटल नॉन कोऑर्डिनेशन रखी और बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं कर सके। और हमारे सारी एस्पिरेशन जम्मू वासियों की, जो हमने उनको मैंडेट दिया था, उसमें वो खड़े नहीं होते। सर, आज आपको डिस्क्रिमिनेशन की फिर से याद आई है, पिछले कुछ देर आपने चुप्पी साधे रखी।